हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 31st of December एंड ऑब्वियसली कल 1st January है, तो हमें कुछ न्यू ईयर की प्रिपरेशन करनी है, न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है। तो मैं हूँ अपनी फ्रेंड के घर और हम इसी के घर आज न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो हम लोग डेकोरेशन कर रहे हैं यहाँ पर। डेकोरेशन के लिए इस बार हमने लिए हैं कुछ कलरफुल बलून्स, जिन्हें अब मैं लगाने वाली हूँ। और आज हम यहीं पर सेलिब्रेट करेंगे अपना न्यू ईयर। अभी इसके बच्चों को और मेरे बच्चों को मैं नीचे अपने घर पर छोड़ कर आई हूँ। वहाँ वो लोग खेल रहे हैं, क्योंकि उनके लिए हमने सरप्राइज़ प्लान किया है कि अचानक से जब वो डेकोरेशन देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, अब मेरे बलून्स अच्छे से फूल गए हैं और स्ट्रिंग्स मैंने सब में सेट कर दिए है। और अब है बलून्स को ठीक से लगाने का टाइम और बच्चे मेरे घर पर हैं। जैसे ही डेकोरेशन कंप्लीट हो जाएगी हम बच्चों को ऊपर बुला लेंगे। अभी आप देखोगे तो बलून्स सब डिफरेंट कलर्स के मैं लगा रही हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा था कि हम पिंक और वाइट से डेकोरेट करेंगे, बट मुझे मेटेलिक में वाइट बलून्स नहीं मिले। तो फिर मेरी फ्रेंड ने बोला कि चल कोई नहीं, हम मिक्स बलून्स से अच्छे से डेकोरेट करेंगे। उधर भैया अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, बच्चे ऑलरेडी खेल रहे हैं और हम दोनों ये डेकोरेशन का काम कंप्लीट करके जाएंगे किचन में, क्योंकि आज हमारा डिनर इसी के घर पे है और उससे पहले हमें कुछ स्नैक्स बनाना है पार्टी को और मज़ेदार करने के लिए। वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज है 31st December और ऑब्वियसली फिर कल 1st January 2021 है। इस ईयर कोरोना की वजह से बहुत ही स्पॉइल सा ये ईयर रहा 2020। आई थिंक मोस्टली सभी के लिए ये ईयर बहुत ही अनलकी रहा और घर में रहे, मतलब सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। तो आई जस्ट होप के नॉट मी ओनली वी जस्ट होप के अब जो ये आने वाला ईयर है इसमें सब कुछ अच्छा हो और ये जो कोरोना का जो भी है बस ये चला जाए जल्दी से, लाइफ फिर से नॉर्मल मोड पर आ जाए। तो इसी के साथ हम न्यू ईयर को वेलकम करने के लिए कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं। और न्यू ईयर के लिए हमने तैयारी की है, मैं और मेरी फ्रेंड, उसकी फैमिली और मेरी फैमिली, हम लोग मिलके कर रहे हैं अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट। तो आज हमारा डिनर उन्हीं के घर पर है, हम वहीं पर पार्टी कर रहे हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या तैयारी की, किस तरीके से हमने डेकोरेट किया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी हम लोग जस्ट रेडी होके, बच्चे ऑलरेडी वहीं पर है, अब मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं और मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी किस तरीके से हम अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्या क्या हमने तैयारी की है। थोड़ा सस्पेंस रहना भी ज़रूरी है, तो चलिए मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। स्नैक्स की, तो यहाँ मैं बना रही हूँ सूखे जो गोलगप्पे होते हैं ना, सूखे वाले वो। और यहाँ ये मेरी फ्रेंड, इसको तो आप ऑलरेडी जानते होगे, नमिता। नहीं जानते होंगे तो मैं इसकी वीडियोस का लिंक दे दूँगी। वी केम आर यूट्यूबर नाउ। तो चलिए मैं अपने बताशे तल लेती हूँ। और ये हो गए हैं मेरे सूखे वाले बिल्कुल बाजार जैसे गोलगप्पे तैयार। और ये रहा हमारा न्यू ईयर केक। 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, तो हमने सोचा केक को सेट कर लेते हैं। और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं केक कट करने के लिए, उन्होंने पहले सेलेक्ट कर लिया क्या खाएंगे। सो फ्रेंड्स, 12 बज चुके हैं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये ईयर आप सबके लिए बहुत शुभ हो
और चारों बच्चों ने केक काटना शुरू कर दिया है और बहुत मज़ा आ रहा है इन लोगों को। और इसी के साथ हम लोग केक खाकर अभी थोड़ा सा डांस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये था मेरा न्यू ईयर का व्लॉग 31 दिसंबर का। और कल भी हमारा 1 जन को कुछ प्रोग्राम बन सकता है, वो जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी न्यू ईयर।